Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 12 मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी पुस्तक कनक का पृष्ठ संख्या 67 खोलेंगे, जहां पर है पाठ 12 मुहावरे। तो बच्चों, बात को कहने के दो तरीके होते हैं, एक साधारण तरीका और एक विशेष तरीका। मैं आपसे कुछ कहती हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि साधारण और विशेष तरीका क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने रमा से पुस्तक मांगी और उसने मुझे साफ इनकार कर दिया, ये है बात को कहने का साधारण तरीका। मैंने रमा से पुस्तक मांगी और उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, ये है बात को कहने का विशेष तरीका। अब ये कैसे हुआ कि जब मैंने पहले वाक्य में कहा कि उसने मुझे साफ इनकार कर दिया, उसकी जगह मैंने प्रयोग में लिया अंगूठा दिखा दिया, तो यहाँ हमने कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया। ये जो विशेष शब्द होते हैं, यही वाक्य को विशेष बनाते हैं और इनसे एक विशेष अर्थ निकलता है। तो आइए परिभाषा देखते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो अपना साधारण या सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ दे, वह मुहावरा कहलाता है। जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ न देकर के विशेष अर्थ बताते हैं, जैसे यहाँ हम कुछ और वाक्य देखते हैं, फूला न समाना। अब फूला न समाना का अर्थ क्या होना चाहिए? फूल कर मोटा हो जाना, ये तो इसका सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन इससे हमें विशेष अर्थ कौन सा मिल रहा है? बहुत प्रसन्न होना, अर्थात बहुत खुश होना। तो वाक्य देखते हैं, मेरे कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी फूले न समाए, अर्थात वो बहुत प्रसन्न हो गए। मुंह में पानी आना, यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है कि मुंह में पानी भर जाता है या कहीं से मुंह में पानी आ जाता है, इसका विशेष अर्थ क्या निकलता है? ललचा जाना। गरम जलेबियाँ देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ देखा बच्चों आपने कि हमने कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को विशेष बना दिया, इससे वाक्य बोलने में भी सुंदर लगते हैं और अच्छे लगते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, कि जब भी हम मुहावरों से वाक्य बनाते हैं तो हम मुहावरे का ही प्रयोग करते हैं, उसके अर्थ का नहीं। जैसे यहाँ आप वाक्यों में देख सकते हैं कि मैंने वाक्यों में मुहावरों का ही प्रयोग किया है, उनके अर्थ का प्रयोग नहीं किया। आइए कुछ और मुहावरे भी देखते हैं जो आपकी पुस्तक से ही लिए गए हैं। अंग अंग टूटना, इसका अर्थ होता है बहुत थक जाना। वाक्य देखेंगे, सारा दिन काम करके मेरा अंग अंग टूट गया, अर्थात बहुत थक गया। आकाश से बातें करना, अर्थ है बहुत ऊंचा होना। शहरों में इमारतें आकाश से बातें करती हैं, अर्थात बहुत ऊंची होती हैं। आंखों में धूल झोंकना, अर्थ है धोखा देना। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर, अर्थात धोखा देकर चोर भाग गया। आपे से बाहर होना, अर्थ है अधिक क्रोध में बेकाबू होना। वाक्य, तुम्हारे बार बार चिढ़ाने के कारण ही राम आपे से बाहर हो गया, अर्थात अधिक क्रोध में बेकाबू हो गया। एड़ी चोटी का जोर लगाना, अर्थ है कठिन परिश्रम करना। मोहन ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अर्थात उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। तो प्रथम आने के लिए कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ता है, तभी हम प्रथम आ सकते हैं कक्षा में। कान पकड़ना, अर्थ है माफ़ी मांगना। गलती पकड़े जाने पर अनिल ने अपने कान पकड़े, अर्थात उसने माफ़ी मांगी। तो जब भी हम गलती करते हैं तो हम क्या मांगते हैं? माफ़ी मांगते हैं। खाक में मिलाना, अर्थात बर्बाद करना।
अमेरिका ने इराक को खाक में मिला दिया, अर्थात क्या किया, बर्बाद कर दिया। खिल्ली उड़ाना अर्थ है हंसी उड़ाना। वाक्य, प्रतियोगिता में हार जाने पर लोगों ने राम की खिल्ली उड़ाई, अर्थात उसकी हंसी उड़ाई। घोड़े बेचकर सोना अर्थ है चिंता रहित होना या बेफिक्र होना। परीक्षा इतनी निकट है और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो, अर्थात तुम बेफिक्र हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। घुटने टेकना अर्थ है हार मानना। वाक्य, दुश्मन देश की सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए, अर्थात हार मान ली। 19-20 का अंतर होना अर्थ है थोड़ा सा अंतर होना। वाक्य, रामू और मोहन की सूरत में बस 19-20 का अंतर है, अर्थात थोड़ा सा ही अंतर है। तो बच्चों, आपने देखा, हमने यहाँ पर कई सारे मुहावरे देखे, उनके अर्थ भी देखे और उनसे बनने वाले वाक्य भी देखे। ये सभी मुहावरे जो हैं आपकी पुस्तक से ही लिए गए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आप यही वाक्य बनाएं जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं, आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। बस वाक्य का अर्थ सही निकलना चाहिए और उसमें मुहावरा सही तरीके से रहना चाहिए। तो आइए अब हम आपकी पुस्तक के अभ्यास प्रश्न करते हैं। उसके लिए आप जाएंगे अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 59 पर। वहाँ है प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर वाक्य प्रयोग से मुहावरे पूरे कीजिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र आपको दे रखे हैं हर वाक्य में, उनको देख करके आपको मुहावरे को पूरा करना है। जैसे पहला वाक्य दे रखा है, राकेश ने अध्यापिका के सामने कान पकड़ लिए कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि बालक ने कान पकड़े हुए हैं और हमारा जो मुहावरा होता है वो क्या होता है, कान पकड़ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, कान। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए विद्यार्थी एड़ी और रिक्त स्थान का जोर लगा देते हैं। तो एड़ी के साथ क्या आना चाहिए, चित्र में आप देख सकते हैं एक तरफ एड़ी है और एक क्या दे रखी है, चोटी। तो यहाँ क्या आएगा, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। इसी प्रकार आप वाक्य के वाक्य भी पूर्ण करेंगे। प्रश्न नंबर 2, मुहावरों को उनके सही अर्थों से मिलाइए। यहाँ पर एक तरफ क में आपको सारे मुहावरे दिए हैं और ख में आपको सारे अर्थ दिए हैं, तो इन मुहावरों को उनके अर्थ के साथ आपका आपको मिलान करना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है खिल्ली उड़ाना, तो खिल्ली उड़ाने का अर्थ है हंसी उड़ाना। तो यहाँ पर हम रेखा खींचकर इनका मिलान करेंगे। आँखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। तो यहाँ हम इसे पेंसिल से रेखा खींचकर इनका मिलान करेंगे। इसी प्रकार आप बाकी के मुहावरों को भी पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 3, अधूरे वाक्यों को सही मुहावरे भरकर पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे दे रखे हैं, इनमें से छांटकर आपको यहाँ सही मुहावरे भर करके वाक्य पूर्ण करना है। जैसे कि चोर को भागते देख पुलिस आपे से बाहर हो गई। इसी प्रकार 3 घंटे लगातार खेलने के बाद अब मेरा अंग अंग टूट रहा है, यानी कि थक गया है। तो क्या होना चाहिए, अंग अंग टूटना यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार आप बाकी के वाक्य भी पूर्ण करेंगे। प्रश्न नंबर 4, अर्थ के अनुसार सही मुहावरे पर सही का चिन्ह लगाइए। इधर आपको कुछ अर्थ दे रखे हैं और उनके सामने कुछ मुहावरे, आपको ये बताना है कि ये अर्थ जो है कौन से मुहावरे का है और उसी के सामने आपको सही का निशान लगाना है। जैसे कि बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना जो है कौन से मुहावरे का अर्थ है, आकाश से बातें करना। तो हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। पक्का निश्चय या इरादा कर लेना, ये अर्थ होता है मुहावरे ठान लेना। इसका कौन सा मुहावरा है, ठान लेना। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे।
इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्न भी पूर्ण करेंगे। प्रश्न नंबर 5, चक्र से सही शब्द चुनकर मुहावरों को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक चक्र दे रखा है और इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। आपको यहाँ से शब्द छांट करके इधर रिक्त स्थान में भर करके जो है हमारा जो मुहावरा है उसे पूर्ण करना है। जैसे हमारा पहला मुहावरा है रिक्त स्थान पकड़ना, तो हमारा मुहावरा क्या होता है, हम क्या पकड़ते हैं, कान। तो यहाँ क्या आएगा, कान पकड़ना। आपे से रिक्त स्थान होना, आपे से क्या होते हैं हम, बाहर। तो यहाँ आएगा आपे से बाहर होना। तो इस प्रकार आप बाकी के मुहावरे भी पूर्ण करेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, दिए गए मुहावरों का अर्थ बताइए। 1, आँखों का तारा। 2, उल्लू बनाना। 3, घोड़े बेचकर सोना। 4, 9, 2, 11 होना। 5, दांत खट्टे करना। तो बच्चों, इन सभी मुहावरों के अर्थ मैं आपसे लाइव डाउट क्लास में पूछूंगी और उस वक्त आपको मुझे इनके अर्थ बताने हैं। धन्यवाद।